आज का प्रातः क्लास है 26 जुलाई 1964 रविवार। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। मीठे मीठे पतित से पावन बनने वाले और ज्ञान बरसात से पावन बनने वाले, ज्ञान को वर्षा भी कहा जाता है क्योंकि भेंट करते हैं बरोबर। इस ज्ञान बरसात से सारी दुनिया पावन बनती है। अब ये ज्ञान बरसात सारी दुनिया में तो नहीं पड़ती है, वो बरसात तो सब जगह पड़ती है, पर यहां फिर गाया हुआ है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ज्ञान की बरसात तो सब जगह होती है, परंतु उस ज्ञान को धोई धारण कर पाते हैं जिनका बुद्धि योग बाप के साथ है। बच्चे जानते हैं कि अभी तुम बाप के साथ में हो, चाहे तुम यहाँ हो चाहे कहाँ भी हो, जो बाप को याद करते हैं उनको जहाँ भी याद करें उनके लिए ही वहाँ ही बरसाते हैं, क्योंकि याद कर रहे हैं ज्ञान सागर को। तो याद ही बच्चों के लिए बरसात है। कैसे याद बरसात कैसे हो जाती है? जो जितना जितना उस निराकार को साकार में याद करते हैं तो उनकी बुद्धि निराकारी स्टेज में टिकती है, और बुद्धि निराकारी होने से सूक्ष्म बुद्धि बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान गहराई से टपकता रहता है, अर्थात जो जितना याद करते हैं उनका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन भी चलता है। बाबा कहते हैं कि जितना जितना जो याद करेगा वो कितना भी अजामिल जैसा हो, कितना भी पतित होगा वो पावन बनता जाएगा। तो देखो जो पिया के साथ में है अथवा दूर भी है, परंतु दूर भी रह करके बच्चों को पावन तो बनना है ना। भले कितना भी दूर हो, घर में बैठे हो, उस ज्ञान सागर की याद ही बच्चों को पावन बनाती है। उस ज्ञान सागर क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है, तो इसे ज्ञान सागर कहना चाहिए, क्योंकि जो बाप की याद में रह करके बाप को पहचान करके
निराकारी स्टेज में टिकने वाला पार्ट है, उसका इशारा भविष्य के लिए दिया। इसलिए बोला उस ज्ञान सागर की याद ही बच्चों को पावन बनाती है। उसकी याद, इसकी नहीं, किसकी नहीं, ब्रह्मा के तन में बैठा है ना, परंतु ब्रह्मा का तो विचार सागर मंथन ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता था? क्योंकि ब्रह्मा ने तो बाप को पहचाना ही नहीं था। यज्ञ के आदि में जिस भागीदार से ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का परिचय मिला, वो भागीदार उनकी दुकान में नौकर था, बल मैनेजर था तो भी कहेंगे नौकर ही। तो नौकर तो जैसे एक दास दासी हो जाता है। तो बाबा की बुद्धि में ये नहीं बैठा, ये बाप का पार्ट हो सकता है। क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा बड़े हीरों के व्यापारी थे और उनकी दुकान में जो नौकर था, मैनेजर था, भागीदार, वो एक छोटी सी दुकान का मालिक था, जिसको बाबा ने अपनी दुकान में रख लिया, जिसके लिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला। बाबा के साथ 10 वर्ष से दुकान में रहता था। तो बाबा की बुद्धि ये पहचान नहीं पाई कि ये एक उतना ऊंचा पार्ट हो सकता है। इसलिए बोला ज्ञान सागर भविष्य का पार्ट है, जिसकी याद बच्चों को पावन बनाती है। अब ये तो जरूर बच्चे समझते हैं कि हर एक चीज आग में पवित्र बनती है, देखो जेवर होते हैं उनको आग में डालते हैं, फिर गल करके उनमें से खाद निकल जाती है, कुछ न कुछ तो मसाला जरूर डालते हैं ना। तो उनमें कोई और मसाले की याद नहीं रहती है। एक तो याद, फिर याद से तुम पवित्र बन जाते हो, फिर तुमको मसाला चाहिए ज्ञान का, जिस ज्ञान से तुम वर्षा पा सको। ज्ञान की गहराइयों में जाएंगे तो अपने पार्ट का बुद्धि से साक्षात्कार हो जाएगा, और पार्ट का साक्षात्कार होगा तो वो आने वाली सृष्टि में पहले नंबर का पार्ट ही तुम्हारा वर्षा हो जाएगा। याद से जिसको योगाग्नि कहा जाता है, उसमें रहने से तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है।
तुम्हारा शरीर तो यहाँ कंचन नहीं बनता है, यहाँ माने कहाँ? इस कलयुग दुनिया में तुम्हारा शरीर कंचन नहीं बनता है, तुम्हारी जो आत्मा है वो बाप की याद से कंचन बन जाती है। देखो बाप की याद में कितना प्रभाव है, क्योंकि वो तो सच्चा सोना है। कौन है? कौन है सच्चा सोना है? बाप की याद में कितना प्रभाव है, क्योंकि वो तो सच्चा सोना है। वो कह के फिर दूर कर दिया। सच्चा सोना क्यों कहा? अरे सोना माने क्या? जन्म जन्मांतर आत्माएं जो पार्ट बजाती है, उस पार्ट में कितनी सच्चाई है, दिल कितना सच्चा है, तो जन्म जन्मांतर जो सच्चे हो करके चलते हैं, उनकी आत्मा जैसे सोने जैसी हो गई, तो उस याद से ही तुम बच्चे कंचन हो जाते हो। याद के लिए बाबा कितना समझाते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अभी रात दिन तुम अपने ऊपर बरसात बरसा सकते हो, ये याद ही तुम्हारे लिए बरसात है। कैसे? याद में रहेंगे तो बाप निराकारी स्टेज में टिकने वाला है। शिव बाप तो बिंदु है ही निराकार, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी सारी सृष्टि का बीज है। बीज तो छोटा होता है ना, बड़ा का झाड़ कितना बड़ा होता है और उसका बीज कितना छोटा होता है। तो उस साकार में आए हुए निराकार बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि निराकारी बनती है। बाप ज्ञान का सागर है, मनन चिंतनशील है, तुम बच्चे भी उसकी याद से ज्ञानवान बन जाते हो, क्योंकि याद से ही वर्षा मिलता है। बाप की याद है तो वर्षा जरूर याद आता है। देखो तुम बच्चों के लिए कितना सहज है, कहाँ भी हो। ऐसे नहीं है कि कोई को यहाँ बैठ करके स्कूल में पढ़ना है, नहीं, तुम कहाँ भी हो, कहाँ भी तुम्हारे प्राण चले जाएं, तुम्हारे प्राण कितनी भी दूर देश में चले जाएं, सिर्फ याद करने से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाती है। जरूर तुम जब प्योर बन जाते हो
तो तुम्हारा जो शरीर है और ये जो दुनिया है ये पावन हो जाती है, तो तुमको शरीर भी फिर पावन बनता है। इस शरीर में 5 धातुएं हैं, इनको धातु कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? धातु माने तू इनको धारण करे। परम धाम से जब आत्माएं आती हैं तो इस सृष्टि पर आते ही ना 5 धातुओं को धारण करके शरीर बनता है। जिन धातुओं को कहा जाता है आकाश, वायु इत्यादि। अब ये तो तुम बच्चों को सिखलाया जाता है और तो कोई जानते नहीं है, परंतु तुम्हारे रहने के लिए पावन सृष्टि जरूर चाहिए। तो पावन सृष्टि में तुम्हारे लिए ये 5 तत्व भी सात्विक हो जाते हैं, तो तुम्हारी खातिर बाप को ये जो पतित सृष्टि है उस पतित तामसी सृष्टि का विनाश करना पड़ता है। पतित सृष्टि का विनाश जरूर करना पड़े ड्रामा अनुसार। वो तो अपना हिसाब किताब खलास ही कर देती है। तुम जानते हो कि हमारा हिसाब किताब जो पाप का है, उन पापों को जलाना है। जलाना है शुभी अग्नि में। इसको तुम बच्चों को जलाना है। उन बच्चों को नहीं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको भी नहीं, किनको? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को। ये भी इस जन्म में शरीर रहते रहते अपने पापों को योगाग्नि में भस्म नहीं कर पाएंगे, फिर भी सूक्ष्म पाप रह जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। किनको? किन? ब्रह्मा को या ब्रह्मा को फॉलो करने वालों को। तो इनका भी इस शरीर से इस जन्म में हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता। हाँ, सूक्ष्म शरीर लेने के बाद जब कोई में प्रवेश करते हैं तो ये चंद्रवंशी या चंद्रमा किस में प्रवेश करेगा? है? अरे सूर्यवंशियों में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने वाले ज्यादा पावरफुल हुए या जिनमें प्रवेश होता है वो ज्यादा पावरफुल हुए? हैं? कौन पावरफुल हुआ? हैं? आधे कहते प्रवेश करने वाले पावरफुल हुए,
आधे कहते जिनमें प्रवेश करते हैं वो पावरफुल हुए। अच्छा, जब सारी सृष्टि पतित बनती है तो सबसे ज्यादा पतित और कमजोर कौन हो जाते हैं? हैं? कौन से बच्चे जास्ती पतित बनते हैं? जास्ती कमजोर हो जाते हैं। अरे सूर्यवंशी कमजोर हो जाते हैं। सूर्यवंशी कमजोर क्यों हो जाते हैं? और वंशी इतने कमजोर क्यों नहीं होते? क्योंकि जो बड़े आदमी का बच्चा होता है संग दोष में आता है, तो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा नीचे गिरता है या छोटे आदमी का? बड़े आदमी का ज्यादा नीचे गिरता है। तो तुम बच्चे पतित तमो प्रधान वीक हो जाते हो, और तुम्हारे में वो चंद्रमा और चंद्रवंशी आत्माएं प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीर से। तुम रुद्र के बच्चे हो, तुम्हारी यादगार है क्या है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में मुख बने हुए होते हैं, कोई में दो, कोई में चार, कोई में आठ, कोई में चौदह। ये मुख किस बात की यादगारें हैं? हैं? आत्माओं ने प्रवेश करके बोला है तुम्हारे मुख से, तो ये रुद्राक्ष के मन के यादगारें हैं क्या? मुख बने होते हैं ना? कोई एक मुख का रुद्राक्ष भी होता है, उसे क्या साबित होता है? उसमें एक ही आत्मा प्रवेश करेगी, दूसरी आत्माएं उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, और जो प्रवेश करेगी वो ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब पता चला शंकर के माथे पर चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? हैं? शंकर तो हो गया, क्या हुआ है तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? वो तो हुआ ज्ञान सागर। जो नेत्र तीसरा दिखाया जाता है उसका नाम क्या है? शिव नेत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव ही उसमें प्रवेश करता है। तो शिव है ज्ञान सूर्य, वो ज्ञान सूर्य शिव साकार में प्रवेश करता है, तो साकार के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। रुद्र कहा ही जाता है जो रौद्र रूप धारण करे। यज्ञ के आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था, इसे सिंध हैदराबाद में सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, और आदि में हुआ सो अंत में भी होना है। तो देखो देखो कैसे हिसाब किताब खलास कर देते हैं, सारी सृष्टि का हिसाब किताब खलास होता है। तो पापों को जलाना है, जलाने के लिए कोई वो अग्नि नहीं है स्थूल, ये ज्ञान अग्नि जब कहते हैं तो समझते हैं कि सीताएं
अग्नि में पावन बन जाती हैं। कोई एक सीता की बात नहीं है, एक सीता को पवित्र होने के लिए आग से पास होना पड़ा क्या? और रामायण में कथा सुनी है, सीता के ऊपर दाग लगा, दाग लगा कि तुम कुटिया में जाकर के रही हो। किसकी कुटिया में? रावण की कुटिया में जाकर रही हो क्या? किसकी कुटिया में? रावण की कुटिया में जाकर रही हो। रावण किसे कहा जाता है? हैं, जो सीताओं को बरगलाता है, ज्ञान की बातें करके बरगलाता है या अज्ञान की बातें करके बरगलाता है? हैं, अज्ञान की बातें करके बरगलाता है। तुम हमारी संगनी बनो, हमारे संग के रंग से तुम बहुत ऊंची महारानी बनेंगी। ये बरगलाना हुआ ना, तो रावण सीताओं को बरगलाता है। वो सीता बरगलाने में आती है? हैं? नहीं आती। अरे थोड़ी बहुत आती होगी, नंबर वार तो है सीताएं कि सब एक जैसी 100% है, नंबर वार है। 26/7/64 की वाणी का दूसरा पेज। तो जरूर सीता में कोई दाग लगा होगा। क्या दाग लगा? अच्छा, और जो नंबर वार सीताएं हैं, परसेंटेज वाली पुरुषार्थ करने वाली सीताएं हैं, उनकी बात छोड़ दो। 100% वाली सीता में क्या दाग लगा है? बाबा ने तो बोल दिया, जरूर कोई दाग लगा होगा है। हाँ, श्रीमत की लीका को तोड़ दिया। मुख्य श्रीमत क्या है? है, जब 100% पुरुषार्थ करने वाली सीता ने श्रीमत को तोड़ दिया, श्रीमत की लीका को छोड़ दिया, तो बाकी सीताएं श्रीमत की लीका को तोड़ेंगी नहीं है? जरूर तोड़ेंगी। तो बोला, जो दाग लगा होगा वो मुख्य दाग कौन सा है? हैं? अरे बाबा की मुख्य शिक्षा क्या है, मुख्य श्रीमत क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। क्या शिक्षा है? योगी बनो। योग भी किस लिए? हाँ हाँ, याद की यात्रा तो योग है, लेकिन किस लिए? आत्मा पवित्र बने। तो जो मुख्य श्रीमत है उसको तोड़ा जाता है। कोई पवित्रता की श्रीमत तोड़ने में थोड़ा, और कोई पवित्रता की श्रीमत तोड़ने में ज्यादा। पवित्रता की श्रीमत तोड़ने में
गौतम ऋषि का पत्नी का साप प्रसिद्ध है। क्या साप हुआ है? पत्थर बुद्धि बन जा, अर्थात तेरी बुद्धि में पत्थर बुद्धि बनने से ज्ञान बैठ नहीं सकेगा। वो तो बात हुई गौतम ऋषि की। गौ माने इंद्रियां, तम माने श्रेष्ठतम, माने इंद्रियों का जो सुख भोगने वाला है, इंद्रियों के सुख भोगने वालों में उसने श्रेष्ठतम सुख भोगा। कौन है गौतम? है कौन सी इंद्रियां है जो कौन सी इंद्रियां है जो बहुत दुख भी देती है और बहुत सुख महसूस कराती है? है आंखें बहुत सुख देती है, हैं? और बहुत दुख देती है, हैं? अरे अरे कौन सा विकार है जो बाबा ने बताया कि बहुत दुख देने वाला है? काम विकार। और उस काम विकार से कनेक्टेड कौन सी इंद्रिय है जो बहुत दुख देने के निमित्त बन जाती है? है? आंख है? है? कौन सी इंद्रिय है? अरे कामेंद्रिय। ये कामेंद्रिय बहुत दुखदाई बन जाती है। इसलिए गीता में लिखा है जयेनम पापमानम। ये काम विकार काम इंद्रिय बड़ा पाप कराने वाली है। ये पांचों विकारों का मुखिया है। जब ये पाप कराती है तो उसका रिजल्ट क्या होता होगा? है कुछ रिजल्ट आता होगा या नहीं? अच्छा रिजल्ट आता है या बुरा रिजल्ट आता है? बुरा ही रिजल्ट आता है, खासकर ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए बाबा ने कहा है पूर्व जन्म की कोई वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण बन जाती है, बाबा के पास आ जाती है, नजदीक आ जाती है, फिर भी उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? है फिर भी पुरुषार्थ के अंत में वो कहां पहुंचेगी? अरे फिर भी वैश्या बन जाएगी। ये बात वैश्या के लिए बोली। और देवताएं शिवालय में होते हैं या वैश्यालय में होते हैं? तो शिवालय में होते हैं। जो शिवालय में देवताएं होते हैं उनको कामना जागृत नहीं होती, उनको बच्चे होते हैं या नहीं? तो जो बच्चों की पैदाइश होती है देवताई जीवन में,
वो श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है या भ्रष्ट इंद्रियों से होती है? श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है। बल श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है तो भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो शूटिंग होती है उसमें सतयुगी शूटिंग काल में 76 तक जो शूटिंग हुई, जो वैश्या बनने वाले थे ब्राह्मणों की दुनिया में, उन्होंने श्रीमत का उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया? किसी मुरली में कहा है कि कन्याएं माताएं बैठ करके जात जात के भाइयों को दृष्टि का दान दें, दृष्टि का संग लें। या दृष्टि का संग दें, किसी मुरली में बोला? बाबा ने तो और ही स्पष्ट बोल दिया, तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। दृष्टि से सृष्टि सुधारना किसका काम है? बाप का काम है। एक बाप ही है जो दृष्टि से सृष्टि सुधार सकता है, बाकी कोई मनुष्य मात्र नहीं है। जो दृष्टि योग के द्वारा राजयोग सिखा सके, भ्रष्ट बनाएंगे, रावण की तरह सीताओं को बरगलाएंगे और बरगला के विभिचारिणी वैश्या बना देंगे। वैश्या किसे कहा जाता है? इसलिए बाबा ने आज मुरली में बोल दिया। आज की मुरली में नहीं बोल दिया, संगम युग में बाबा ने मुरली में बोल दिया। आज घर घर में वैश्याले है। क्यों बोल दिया? ब्राह्मणों के लिए तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा ने ब्राह्मणों का तो नाम नहीं लिया, न शूद्रों का, न वैश्यों का, न क्षत्रियों का। बाबा ने जनरल बात बता दी। आज की दुनिया में घर घर में वैश्याले है। क्यों बोला? इसलिए बोला कि मुरली में बोला है, तुम बच्चे 10-20-50 भूले दृष्टि की रोज करते होंगे। दृष्टि चलायमान हो जाती है किसी के साथ तो वो शूटिंग हो जाती है। दृष्टि चलायमान होने से दृष्टि व्यभिचारी हुई या नहीं हुई? बाबा तो कहते हैं अगर एक के अलावा दूसरे से ज्ञान सुना, दूसरों के प्रभाव में आ गए, दूसरों की बातों के प्रभाव में आते हैं ना, तो ज्ञान भी व्यभिचारी हो जाता है। ये तो दृष्टि की बात है। ये गीता में कहा है ज्ञान के मुकाबले इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो इतनी पवित्र हो जितना ज्ञान। दृष्टि तो उसके बाद है। ज्ञान सूक्ष्म है या दृष्टि सूक्ष्म है? ज्ञान सूक्ष्म है, दृष्टि तो फिर भी स्थूल आंखों से दी जाती है। तो देखो सतयुगी शूटिंग काल में ब्राह्मणों की दुनिया में ये दृष्टि का लेन देन किसने शुरू कर दिया है?
जिसने शुरू कर दिया उसी के लिए बाबा ने बोला अहिल्या। आज मुरली में क्या आया है? अहिल्या और अजामिल जैसे भी पापी क्यों न हो, अगर मेरे स्वरूप की वास्तविक याद करते हैं तो वो भी क्या बन जावेंगे? पावन बन जावेंगे। पावन तो बन जावेंगे, सत्युग में तो आ जावेंगे। सत्युग में देवताएं पवित्र होते हैं, लेकिन जो सेकंड नारायण की डायनेस्टी में आवेंगे वो द्वापर युग में जाकर के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि सेकंड नारायण की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि दृष्टि से भी अपवित्र बन जाते हैं। तो वो आत्माएं द्वापर में जाकर के नारायण में, जब इब्राहिम प्रवेश करता है सेकंड नारायण में, तो उसकी सारी प्रजा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बीके में भी इस समय दृष्टि का लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा है? किसने सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा, है? अरे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, ब्राह्मणों की दुनिया में मम्मा बाबा की गद्दी पर कौन बैठा है? कुमार का दादी। वो बोलती भी थी कि यहां मैंने मम्मा बाबा की गद्दी ली है तो सतयुग में भी उनकी गद्दी नशीन बनूंगी, मना कौन से नंबर का नारायण बनूंगी? सेकंड नंबर का नारायण बनूंगी। वही सेकंड नंबर का नारायण त्रेता में जन्म लेते लेते जब द्वापर शुरू होता है तो ऊपर से आने वाला इब्राहिम उसमें प्रवेश कर जाता है और वो दृष्टि का व्यभिचार फैलाने वाली कौन से धर्म में चली जाती है? इस्लाम धर्म में चली जाती है। और उसको फॉलो करने वाले वो भी इस्लाम धर्म में चले जाते। वो तो सतयुग के देवता धर्म में जाने वालों की बात हुई। अभी बाप की प्रत्यक्षता सतयुगी शूटिंग काल में होती है या राम बाप की प्रत्यक्षता त्रेतायुगी शूटिंग काल के आरंभ में होती है? तब होती है, है? अरे रिवाइज करो एडवांस कोर्स षष्ठी चक्र, नहीं तो सारा भूल जाएगा, है? सेवेंटी सिक्स तक राधा कृष्ण की आत्मा निमित्त बनती है। षष्ठी चक्र में सतयुग में मुख्य आत्माएं कौन दिखाई है? राधा कृष्ण दिखाई है। तो राधा कृष्ण उर्फ मम्मा बाबा की आत्माएं सतयुगी शूटिंग काल की निमित्त बने, जो 76 तक चला।
76 में राम बाप की प्रत्यक्षता होती है, 3 युग शुरू हो जाता है, 3 युग की शूटिंग शुरू होती है। तो 3 युग की शूटिंग में 36 धर्म वाली आत्माएं जो यज्ञ के आदि में राम बाप के साथ फेल हो गई थी, वो शूटिंग पीरियड में ऊपर आ जाती है। और पवित्रता की बात में देवता धर्म की आत्माएं आगे जाती हैं या क्षत्रिय धर्म आगे जाता है, देवताएं आगे जाते हैं। परंतु जो सतयुग में जन्म लेने वाली देवात्माएं हैं, मम्मा बाबा जैसी, वो ज्ञान में इस समय तीखी होती है, संगम में है नहीं, वो देवताएं बुद्धू होते हैं, वो देवात्माएं सतयुग में देवता तो बनती है, परंतु उनमें वो शक्ति नहीं होती जो क्षत्रियों में होती है। वो छात्र धर्म वाली आत्माएं इसलिए श्रेष्ठ हैं कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं, उनको गद्दी नहीं मिली हुई है, कोई कुर्सी मिली है, छत्र छाया मिली हुई है नहीं, और त्रेता में राम सीता को दिखाया गया है, उनको छत्र छाया मिली हुई है बाप की और गद्दी भी मिलती है। वही क्षत्रिय आत्माएं द्वापर कलयुग में आकर के राजाएं बनते हैं, और वो देव आत्माएं ज्यादा पावरफुल हुई कम पावरफुल हुई है, ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल हुई, बुद्धि की पावर उनमें ज्यादा होती है या कम होती है, कम होती है। इसलिए वो देवात्माएं चंद्रवंशी की जहां से विजयमाला निकलती है, वो राजा बनते हैं या रानियां बनती हैं, रानियां बनती हैं, आधीन बनती हैं या अधिकारी राजा बनती हैं, हैं? आधीन हो जाती है। ताकत नहीं रहती उतनी, लेकिन वो ही रानियां द्वापर कलयुग में पवित्र रहने के स्वभाव वाली होने के कारण कलयुग के अंत आते आते ज्यादा पतित बनती हैं या राजाएं ज्यादा पतित बनते हैं, राजाएं ज्यादा पतित बनते हैं। उन्हीं राजाओं में राम वाली आत्मा भी है, और वो राम वाली आत्मा अभी संगम युग में और उसके जो भी फॉलोअर्स हैं एडवांस में, वो कमजोर हैं देवात्माओं के मुकाबले या पावरफुल हैं, है कमजोर हैं। ब्रह्मा बाबा को बैल बताया है और राम वाली आत्मा का पार्ट शंकर का है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का पार्ट ब्रह्मा का है। तो शंकर पर बैल सवार होता है या शंकर बैल पर सवार है? शंकर बैल पर सवार है अभी, है बैल शंकर पर सवार है।
उसकी बुद्धि को व्यस्त करने में पावरफुल है। लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो बाप है उस बाप का याद का पुरुषार्थ करते करते अंत में विजय किसकी होगी? बाप की विजय होगी। जो भी बाप के फॉलोअर बच्चे हैं उनकी विजय हो जाएगी। जब विजय होगी तो शंकर बैल पर सवार होगा या बैल शंकर पर सवार बना रहेगा? शंकर बैल पर सवार हो जाएगा। अभी बैल कहो, ज्ञान चंद्रमा कहो, वो शंकर के सर पर सवार है। इसलिए बुद्धि को प्रभावित कर देता है। और जब राम की बुद्धि प्रभावित हो जाती है तो सीता की बुद्धि है प्रभावित होगी या नहीं होगी? और सीता एक है या अनेक? तुम सात सीताएं हो। तो बात हो रही थी सीताओं के ऊपर लगे हुए दाग की। सतयुग में तो दाग लगा दृष्टि का, दृष्टि योग से सीता दूषित हो गई। और त्रेतायुगी, द्वापर युगी, कलयुगी शूटिंग में जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं फीमेल चोले से सीता के रूप में है, उन पर कौन सा दाग लग जाता है? नंबर बार अरे सतयुग में तो दृष्टि तक बात थी और अभी तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तीनों युगों की शूटिंग में वो रुद्र के मण के एडवांस पार्टी में पार्ट बजा रहे हैं। उनमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। फीमेल को सीता कहा। तो जो सीताएं हैं उनको जो दाग लगा है वो योग अग्नि से ही खलास होगा। आग बना करके उनसे उनको पार कराते हैं। क्या कहा है? क्या बनाते हैं? चिता बनाते हैं। काहे की चिता? आग की चिता बनाते हैं। चिता बना करके स्थूल अग्नि की चिता बनाते हैं, रामलीला खेलते हैं, तो उसमें सीता को पार कराते हैं। है कौन सी आग? है नहीं? ये सारा संसार विषय वैतरणी है, ये सारा संसार विषय सागर है। तो ये चिता भी क्या है? है काम अग्नि है। ये काम अग्नि जलाते हैं। बहुत ही ठग लोग होते हैं। क्या? क्यों ठग कहा है? अरे ठग क्यों कहा? वो ठग ले दिखलाते हैं कि देखो हम भी आग से पार हो सकते हैं। क्या? किसे? अग्नि से। कौन सी अग्नि? काम अग्नि से हम भी पार हो सकते हैं। कांडे बहुत डाल देते हैं, चार कोस,
और उनके ऊपर से फिर वो पास हो जाते। अभी ऐसे तो कोई पास नहीं हो सकते, जरूर उनके पास कोई युक्ति होगी, कुछ न कुछ है। पांव में मसाले लगाते हैं, क्या कहा है, जरूर कुछ न कुछ पांव में मसाले लगाते हैं तब आग से पार होते हैं। यहां पांव की बात है, काम अग्नि से पार होने में, या कामेंद्रिय की बात है, है? कामेंद्रिय की बात है। देखो वहां तो कुछ न कुछ मसाले लगाते हैं, तो देखने वाले लोग बड़ा बंदर खाते हैं। वो तो स्थूल बातें हैं, और यहां तो बेहद की सूक्ष्म बातें हैं। यहां सिर्फ तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि तुम सीताएं उनों के ऊपर माया का क्या कहा। तुम सीताएं इस बात को अच्छी तरह से जान जाती हो कि उन ठगों के ऊपर माया का विकार का कलंक लगा हुआ है, राय का कलंक लगा हुआ है। ये कलंक लगता है ना, माया आकर के हमको पवित्र से अपवित्र बनाई देती है। क्या बेसिक में आंख से अपवित्र बनाया तो इस्लाम धर्म में चले गए, और यहां अरे यहां शिव के मंदिर में जो लिंग बनाते हैं और उसमें बिंदु रखते हैं वो किसकी यादगार है, है? अरे लिंग किसकी यादगार है, बिंदु किसकी यादगार है, बिंदु शिव की यादगार है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और उसमें हीरा जला हुआ था, वो हीरा किसकी यादगार, शिवज्योति बिंदु की यादगार, और लाल लिंग का पत्थर साकार की यादगार। तो देखो ये माया करके हमको पवित्र से अपवित्र बनाती है, काला करती है। तो तुम बच्चों को सीताओं को बाबा ने समझाया, तुम बच्चे सभी सीताएं हो, तुमको इससे पार होना है कि डूब मरना है, पार होना है। ये जो योग अग्नि है उसमें तुम्हारे जो भी पाप हैं सभी धोए जाते हैं। तो देखो कहां की बात समझने की, और कहां एक सीता के ऊपर ले गए। बाबा कहते हैं ना कि एक सीता नहीं है, सब सीताएं हो, ये पुरुष भी सीताएं हैं, है? कैसे है पुरुष कैसे सीताएं हैं, फीमेल तो नहीं है, फिर सीताएं कैसे, अरे नहीं, सीताएं सब रावण की जेल में होती है, रावण से प्रभावित हो जाती है, और ये पुरुष भी रावण से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, है? प्रभावित होते हैं। इस हालत में ये सजनीय है और इनको इस आग से पार होना है। इस विनाश के समय में भारत में
काम अग्नि की वर्षा हो रही है। क्या कहा? दूसरे देश में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन से समय में है? संगम युग के समय में, जबकि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने का टाइम आ रहा है। कब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है? है रात्रि के 12 बजे। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कब मनाते हैं? रात्रि के 12 बजे। तो ये घोर अज्ञान का अंधकार का टाइम चल रहा है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन है पतितों को पावन बनाने वाला। चाहे दृष्टि के संग से पतित से पावन बनाए, चाहे कान के संग के रंग से पावन बनाए, कान से ज्ञान सुना जाता है ना, चाहे स्पर्श के संग के रंग से पावन बनाए, पावन बनाने वाला एक ही है और बाकी तो सब क्या है? क्या बोला ऊपर? ठग है, ठग। तो बताया, इस समय में भारत में काम अग्नि की वर्षा हो रही है, ऐसा ही कहेंगे। इस समय में माने किस समय में? इस संगम युग के उस टाइम में, जबकि महाशिवरात्रि सच्चम सच होने वाली है। अज्ञान की, अंधकार की घोर रात्रि चल रही है। रात्रि माने है चारों ओर अंधकार है, आत्माएं भटक रही हैं। इस बात के लिए अंधेरे में दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता। इस बात का अंधेरा, क्या ज्ञान? बाप की पहचान हो गई है तो सबसे बड़ा ज्ञान है। तो अज्ञान किस बात का है? आज कहते हैं बाप आया हुआ है, कल कहते हैं हम तो मुगालते में आ गए थे। अरे ये बाप नहीं है तो कोई शैतान है। तो निश्चय बुद्धि हुए या अनिश्चय बुद्धि हुए? हैं? अनिश्चय का ग्रहण लग गया। दुनिया में काम अग्नि की वर्षा हो रही है, तो उनको बुझाने के लिए बाबा कहते हैं कि तुमको इसे याद की अग्नि में, योग अग्नि में रहना पड़ता है। कौन सी याद की अग्नि में है? विभिचारी याद की अग्नि में, अनेकों की याद की अग्नि में। अरे कामेंद्रिय से किसी के साथ सुख लेंगे तो याद नहीं आता है, किसी से आंखों की आंखें लड़ेंगी तो जिसको देखेंगे वो याद नहीं आता है। आता है या नहीं आता है? आता है। तो देखो, इन पापों को भस्म करने के लिए वैश्यालय की दुनिया नष्ट करने के लिए, शिवालय के बनाने के लिए तुमको एक बाप की याद में रहना पड़ता है। कि व्यभिचारी याद में भी रहेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। हैं? सोना गलाते हैं तो तेज अग्नि में सोना गलता है या साधारण अग्नि में सोना गलता है? तेज अग्नि होती है तभी सोना गलता है, खाद अलग होती है। ये भी जन्म जन्मांतर के पापों की खाद है और इस जन्म के पापों की खाद तो बहुत बड़ी हो जाती है।
अगर एक बाप का निश्चय बैठ गया तो वो खाद समूल भस्म हो जाएगी। तो देखो, इस याद में कोई तुमको तकलीफ नहीं है, है? हैं? और दूसरे से लगन लग जाए तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो तकलीफ होगी। ओम शांति।